मिशन 2023 से पहले बीजेपी के खेमे में सियासी घमासान देखने को मिल रही है, जहां लगातार नेताओं के बीच मिलन पॉलिटिक्स का सिलसिला नजर आ रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व बीजेपी विधायक गोपी कृष्ण नैमा और इंदौर कांग्रेस संगठन प्रभारी महेंद्र जोशी। देखिए, ये घमासान जो दिख रहा है सिर्फ मीडिया में है, वास्तविकता में भाजपा में कहीं कोई घमासान नहीं है। नेतृत्व और संगठन के नेतृत्व दोनों पे कार्यकर्ताओं का और जनता का पूरा विश्वास है। ये घमासान प्रायोजित घमासान कह सकते हैं, जो हम मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में दिखाई दे रहा है। बाकी पार्टी में कहीं कुछ नहीं है, पार्टी व्यवस्थित अपना काम कर रही है और मिशन 2023 और मिशन 2024 के लिए जो हम वर्किंग चाहते हैं हमारे संगठन की, वो वर्किंग में हम लगे हुए हैं। देखिए, जब सेनाएं हारने लगती हैं तो सबसे पहले उसमें भगदड़ मचती है, और 2030 के घमासान में कमलनाथ जी जैसे प्रबल योद्धा के सामने भारतीय जनता पार्टी की टीम पहले ही घुटनों के बल आ गई है, और अब लड़ना तो दूर, पहले अपना घर संभालना जरूरी हो गया है। मुख्यमंत्री जी ने अपनी खुद की तैयारी कर ली है। मैंने देखा है कि उन्होंने 74 बंगले के आसपास कुछ मकान तैयार करवा लिए हैं कि उन्हें कहाँ शिफ्ट होना है शामला हिल्स से, तो ये सब चीजें बताती हैं। और दूसरी बात है, ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से संघर्ष है, एक मंत्री के खिलाफ दो मंत्री सीधा कह रहे हैं कि अगर आपने इनको पर लगाम नहीं लगाई तो हम लोग इस्तीफा दे देंगे, पराकाष्ठा है। उसका कारण है कि जब पार्टी के अंदर वैसे भी लोकतंत्र नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में कभी भी आंतरिक लोकतंत्र कहीं नहीं है, वहां तो यह है खाता न बही, जो मोदी कहे सो सही या प्रदेश के अंदर जो शिवराज कहे सो सही, ये बंदरबांट चल रही है, झगड़ा है, मुझे क्यों नहीं मिला, उसने क्यों अकेले खा लिया, ये जो तमाम सारे संघर्ष उभर के सामने आ रहे हैं, ये स्पष्ट संकेत देते हैं कि सबको मालूम है कि अब वक्त आ गया है बिस्तर बांधने का, तो जो हो सकता है समेट लो। ये समेटने की लड़ाई है, कोई सैद्धांतिक लड़ाई नहीं है, कोई विचारधारा की लड़ाई नहीं, और यही स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है।